नमस्कार, शुभ सकाल सहित सकाल प्रथम खबर को स्वागत करेडलैंस। आज बजेट अधिवेशन द्वितीय दिन विपर्यस्त बिजुली सेवा को नहीं मुलतवी प्रस्ताव उपरे होइपारे आलोचना, शून्य काल में उठब बीजेपी कॉलेज छात्री आत्महत्या प्रसंग, उच्च शिक्षा मंत्री बृत्ति दावी करिपारंती विरोधी। ठाकरे को मध्यरात्रि झटका, सिंधे गोष्ठी को मिलला स्वीकृति, आज आस्था लोड़े मुख्यमंत्री, सिंधे ह्विप न मानिले अयोग्य घोषणा होती ठाकरे गोष्ठी। आज सृष्टि होइपारे लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण, पांच जिला को ऑरेंज और 14 जिला को येलो वार्निंग जारी, 7 तारीख जाए राज्य में भल वर्षा आकलन। द्वितीय दिन में महाप्रभु आड़प दर्शन, कालिया को देखा गुंडीचा मंदिर मेडिकल छक जाए लंबा लाइन, आज बनकलाकी तीन घंटा बंद सर्वसाधारण दर्शन। शेषे बांधकार बिंधाणी शांतिलता मेहर बापा कला शिखी होती स्वावलंबी, नुआ डिजाइन बांध या संबलपुरी वस्त्र को नुआ उच्चता, 23 जन महिला मिली जीवन। आसवा पूरा खबर को आज रांची गस्त करेंगे एनडीए राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू, विजय पक्का थिबा बेले जेएमएम रो समर्थन पर झारखंड गस्त कर द्रौपदी मुर्मू, पूर्व झारखंड राज्यपाल थिबा बेले जेएमएम रो समर्थन मिलवा नहीं आशा रही। आज दिन 11टे एक स्वतंत्र विमान जोगे दिल्ली रांची जिते द्रौपदी मुर्मू, सेठे राष्ट्रपति निर्वाचन में एनडीए भोटर सांसद और विधायक मानू संबोधित करार कार्यक्रम रही। बैठक में बीजेपी राज्य सभापति तथा सांसद दीपक प्रकाश, पूर्वतन मुख्यमंत्री बाबूलाल मारा, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री रघुवर दास, केन्द्रमंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, एनडीए सहयोगी समस्त झारखंड छात्र संगठन एवं राज्यर बीजेपी 11 लोकसभा सांसद जोगदे नहीं सूचना रही। ठाकरे को मध्यरात्रि झटका, सिंधे गोष्ठी को मिलला स्वीकृति, आज आस्था लोड़े मुख्यमंत्री, सिंधे ह्विप न मानिले अयोग्य घोषणा होती ठाकरे गोष्ठी। गतकाली बाचस्पति निर्वाचन में सिंधे बीजेपी समर्थित प्रार्थी को 164 वोट मिलता बेले महाराष्ट्र महागढ़ी मेट प्रार्थी को 107 वोट मिली। महाराष्ट्र विधानसभा बाचस्पति निर्वाचन में सिंधे बीजेपी समर्थित प्रार्थी राहुल नार्वेकर विजयी होगा, दुई तृतीयांशु अधिक सदस्यों समर्थन हासिल कर सिंधे गोष्ठी को मूल शिवसेनार मान्यता मिली। नुआ बाचस्पति द्वारा सिंधे को शिवसेना विधायक दल नेता स्वीकार पर विधानसौध परिसर में शिवसेना विधायक दल कार्यालय को ताला पक दी, विधायक दल को अख्तियार करने मूल दल और दलर निर्वाचन संकेत धनुतीर उपर रिंधे नजर। शिवसेना प्रतिष्ठाता बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व लिगासी को सिंधे बीजेपी मेंट निज सपक्ष में नेवाई आरंभ हो राजनैतिक उद्यम, तेज आज गृह से संख्या गरिष्ठता प्रमाण देवे शिवसेना बीजेपी सरकार, 288 सदस्य विधानसभा छोट दल और निर्दलीय 10 विधायकों सहित 106 बीजेपी विधायक एकनाथ सिंधे को समर्थन करुंते, तेणु सिंधे सरकार रास्ता सफा हो। बाबद अधिक आलोचना पर हम सहित फोनलाइन में जोड़ी होती दिल्ली प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी होती। गगन, गत काली आम देखी जो भाई टेस्ट में खास करी बीजेपी को पूरा समर्थन मिली एवं बाचस्पति निर्वाचन में बीजेपी काली विजयी होता, आज हे सिंधे आज मतर बहुमत आज सब्यस्त करेंगे, जमीक जदि देखा जाए जो सिंबल रही हतैवा लक्ष्य में बर्तमान लगी सिंधे। देखो निश्चित भाव वर्तमान जो कथा आम पूर्व मुंबई में से चित्र आम देखे कौना कौटी जो कथा आशा कराला से कथा ही बर्तमान देखा मिले, जो बर्तमान लिगासी जो कथा आप कहते शिवसेनार एक्चुअली सदस्य किए शिवसेना क्या पाख रही फाइट हम उभय उद्धव ठाकरे और सिंधे मध्य से चित्र बर्तमान आरंभ हो गत काली चित्र आरंभ हो कहीं जिते दुई जन कैंडिडेट थे
यामिनी सामंत कथा कहतु बा राहुल नरवाने कथा कहतु दिजन जिते कैंडिडेट थे शिवसेना पक्षर व्हीप जारी कर शिवसेनार जे रही रही गत काली गणमाध्यम प्रतिक्रिया कहते जेहेतु आम व्हीप था व्हीप को 39 जन रु अधिक विधायक जो मैंने रही पूर्णाकोटी व्हीप को ग्रहण करना व्हीप को मानि ना तेणु से मानकर प्राथमिक सदस्यता पद को रद्द करने सस्पेंड करने आम स्पीकर को अनुरोध करूँ कितु जेहेतु स्पीकर वर्तमान बीजेपी रही स्पीकर बीजेपी समर्थित प्रार्थी विजयी होती हूं तो सीआर को ग्रहण करफल हुए तो से दलू सस्पेंड करपारती स्टेप शिवसेना नहीं पारे कि देखार विषय रोचे या कि भाव सिंधे टैकल करे कि ग्रहण करमर्थित विधायक मैंने किभली भाव ग्रहण करें सुप्रीम कोर्ट आसवे कि नहीं अनेक कथा आग को देखा को बाकी रही अनेक कथा घटी पारे जो सांधानिक प्रक्रिया रही है निर्वाचन कमिशन गोटे बड़ रोल प्ले कर आम ये फाइट आगुरी देखीचु जिते जेडीयू मेट भांग कर लालू को ठार आसिकजेपी सहित मेट करता से पूर्व आम बिहार में देखी से चित्र हम तो पुणि थे पुनरावृत्ति हो पाए महाराष्ट्र में जो कथा कहते जो बहुमत सब्यस्त करलरेडी से चित्र गत काली स्पष्ट हो सारी पाखापाखि 164 रु अधिक विधायक समर्थित विधायक बर्तमान बीजेपी और सिंधे जो मेट हो बुझाणा हो फडनवीस और सिंधे सपोर्ट में बर्तमान रही तेणु ये बहुमत सब्यस्त करेंगे कौन से असुविधा हम ना दिमत रही कहीं अलरेडी जो महाविकाश अगाड़ी रही से मेटर फाट सृष्टि हो सारा एम कथा कहतु बा समाजवादी पार्टी कथा कहु जो विधायक मान रही अलरेडी गत का स्वीकार करें महाविकाश अगाड़ी मेटर नाऊ कहीं उद्धव ठाकरे लास्ट मोमेंट जो औरंगाबाद कथा कहु जो दुईट सहर ना चेंजेस कले तेणु से ग्रहण करना तेणु ये कथा को लेकिन सेलरेडी मेटर रु ओहरी तेणु जहाँ कि बीजेपी को फायदा दब कहीं भोटिंग शिवसेना को समर्थन करेंगे ना तेणु नो डाउट गत काली जो समर्थन मिलता राहुल नरवाने से समर्थन ही सिंधे को बर्तमान मिल समर्थन बढ़ी पारे कि कमार चान्स ना गत काली चित्र स्पर्श हो सारी कि देखार विषय रोचे शिवसेना उद्धव ठाकरे कौन स्टेप नौ किभक टैकल कर जो निगासी जो ओरिजिनालिटी को लेकिन बर्तमान लड़े हम उद्धव ठाकरे और सिंधे कवच निश्चिंत भावरे जदि कहबा को जबा गगन खास करी चित्र वर्तमान बा पूर्वरु पूरा चित्र स्पष्ट हो सारी जहाँ औपचारिकता बाकी रही बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपंकर तमाम सूचना पाई। आज बजेट अधिवेशन रो द्वितीय दिन राज्य में विपर्यस्त बिजुली सेवा को नहीं बीजेपी पक्षर आगत मुलतवी प्रस्ताव उपरे हुई पारे आलोचना प्रश्नकाल में स्वराष्ट्र अर्थ निर्माण खनि इस्पात स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उपरे आलोचना हबो तेणु शून्य काल में उठब बीजेपी कॉलेज छात्री रुचिका महांती आत्महत्या प्रसंग घटना संपर्क में गृह उच्च शिक्षा मंत्री बृत्ति दावी करिपारंती विरोधी बीजेपी कॉलेज रे जहाँ घटिला सुइसाइड नोट करी जो प्लस टू छात्री टे देला या पूर्वर आहरी दुईटी घटना से बीजेपी कॉलेज रे मध्य घटी बारंबार घटना घटिबा एवं सरकार नीरव रहिबा गृह विभाग तदारक न करिबा आईन श्रृंखला परिस्थिति को कंट्रोल करिया पाई कौन सी प्रकार राज्य सरकार स्वतंत्रता न देबा एथिरे राज्य सरकारंकर विफलता को ही बुझौछि विधानसभा रे ये प्रसंग को निश्चित भाव रे आमे प्रसंग एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आकार रे आगामी खूब शीघ्र आम या विधानसभा को आनबू इत अत्याचार तापर करागला से आत्महत्या कला गोटे अनुसंधान कर विधानसभा उठेबू एवं अनुसंधान कर जो मैंने से इनवल्व कड़ा दंड दबा दरकार जमी अन्य लोक रागिंग करने कौ कलेज भारत बर्ष सास करे बहु कथा अनुसार रही जाऊँगी जानी होनी कि जोटा लोकलोचन को आला प्रपर इनक्वारी करहित कार्य अनुसार निया जाऊ उच्च शिक्षा मंत्री कहते पुलिस रिपोर्ट देलापर सरकार से जहाँ करेंगे कितु आक्शन निया जाऊ लोकर भय हो भय नरने कि हेनी गोटे सुनामधन कलेज पृथ्वी ना करजेपी कलेज से कलेज घटना घटले अति निंदा।
ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, କଲେଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖ, ପୃଥିବୀରେ ବିଜେପି କଲେଜର ନାଁ ସାରା, ମୁଁ ଯେତେଟା ଦେଶ ଯାଇଛି ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଭାବେ ନେବା ଦରକାର, ରାଗିଂ ଯେଉଁଠି ଅଛି କଡ଼ା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିବ ଏବଂ ଖାସ କରି ବିଜେପି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସରଗରମ ରହିପାରେ ବିଧାନସଭା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସରଗରମ ରହିବ ଗୃହ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଗୃହ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଏଭଳି ତମାମ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଘେରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ବାହାରିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ପୁଣିଥରେ ଉପରମା ହୋଇଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବ ଯେ କୋଭିଡର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକାବିଲା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଖଣି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ବାହାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ଯିଏ ବିଜେପି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ୍ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ବିଜେପି କଲେଜ ଭଳି ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଏଭଳି ସୁଇସାଇଡ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ନେଇକି ସରକାର ଘେରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦାବି କରିପାରନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବୃତ୍ତି ରଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥାକୁ ବିଜେପି ଜୋରସୋରରେ ଉଠେଇବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଶନିବାର ଦିନ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଇପାରନ୍ତା। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଆଜି ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବେ ଏ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆଜି କେତେ ସରଗରମ ହେଉଛି। କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିନ ଦେଖିବେ ଶନିବାର ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦିଓ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା ଗୃହ, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ କିଭଳି ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ବାଚସ୍ପତି କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନଜର ରହିବ। ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କ'ଣ ରହିବ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ, ଏନେଇ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 10 ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 5,38,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେହିପରି ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 26 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 21 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। cbse.gov.in ଓ cbse.results.nic.in ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।
भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण जलिला बस भारसाम्य हर रास्तार वालर बाड़े होता बस पर बस में निआ लग जा काच भांगि समस्त जात्री को उद्धार करोट दमकल गाड़ी निआ को आयत्त करते दुर्घटन चारिज आहत होती बस टी फुलबाणी भुवनेश्वर आसुवा सूचना मिली जहां बर्तमान खबर आसी पहुंचुच्ची भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण जलिला बस भारसाम्य हर रास्तार वाल बाड़े होता बस पर बस रे निया लागिथिला एवं काच भांगे समस्त यात्री को परवर्ती समय उद्धार करा जाइछि। तीनोटि दमकल गाड़ी निया को आयत्त करथिले दुर्घटना रे चारि जण आहत होइछन्ति। बस टी फुलबाणी रु भुवनेश्वर आसुथिबा सूचना रहिछि। ए बाबदर अधिक सूचना पे हम सहित सीधासलख जोड़ी होती हम प्रतिनिधि स्वप्नांजलि जोड़ी होती। स्वप्ना पूरा घटना कौन रही कौ परिस्थिति रे एभली दुर्घटना घटला आहत मानक स्वास्थ्यावस्था केमती रही? देखते चिन्मय वर्तमान जहाँ स्थिति रही है बरमुंडार दृश्य देखा चाहिए जे राति जितेबाला बस टी फुलबाणी दे कि ब्रह्मपुर गंजाम आसिका देकी जितेबाला भुवनेश्वर अभिमुखे यात्रा करथिला सही समय रे ही भोर भोर समय पाखापाखि चारिटा समय कहुची आनुमानिक एवं पारिपार्श्विक परिस्थिति को जहाँ लक्ष्य करी जहाँ जमापड़ी जे भारसाम्य हर ललिता नामक ये जो बस ब्रह्मपुर आसिका भंजनगर और फुलबाणी भाया दे कि भुवनेश्वर जितेबाला यात्रा करथुला सेतेबाला भार साम्य हर ही बस टी ओलटी पड़ी हालका एवं कहुपे जे ब्रिज रु अधिक पोर्शन भांगिकी ओलटी पड़ी एवं पूरा बस टी जलिकी खंड विखंडित हो जाए देखुं कौन सी ग्लास ना जहाँ सूचना मुताबक जेहेतु भोर भोरु ये इनसीडेट आक्सीडेट हो तेणु बर्तमान स्थित जहाँ कहु लोक आहत जो लोक मैंने उद्धार करेतु प्रत्यक्षदर्शी कहीं भी बर्तमान जड़े पर्यटन आम पाखे हस्तगत होना जहाँ पूर्व सूचना अच्छी जेहेतु भोरु ये घटनाटी तेणु बस ड्राइवर कंडक्टर किंबा यात्री कौन सी वर्तमान ए स्थल नहांती किंतु जहाँ कहु ये बस टी भुवनेश्वर अभिमुखे जितेबाला यात्रा करूला से आक्सीडेट होता है ए बस वर्तमान पूरा बस टी नष्ट जली जाइछि। बस टी ललिता नामक बस OD03C2588 नंबर टी रही जहाँ कहु जितेबाला भोर भोर आक्सीडेट होता से लोक मैंने बड़ सचेतनता सहित जितेबाला बस टी जलिता से लोक उद्धार करा किंतु से लोक मैंने वर्तमान घटनास्थल कहीं जदिओ नहांती किंतु प्रत्यक्षदर्शी एपर्यंत जहाँ कहते जेहेतु भोर भोर आक्सीडेट तेणु पूरा घटना ओके स्वप्नांजलि वर्तमान पुलिस बाबद कौन सी रिएक्शन रखिला चिन्मयी वर्तमान पर्यंत जेहेतु आम स्पॉट रे वर्तमान पहुंचीचु एवं ये पूरा दृश्य आपको देखाऊ बस टी कौ परिस्थिति रे जळिला एवं पछ माने इमरजेंसी डोर गुड़िक एवं काच गुड़िक भंगा जाइछि ता माने एतु स्पष्ट जना पड़ुछि जे जेतेबेले बस टी भारसाम्य हराई बा कोनोसी दुर्घटना कारण रु जेहेतु कह जाउछि पुरुणा बस ये तार कोनोसी यांत्रिक त्रुटि मध्य थाई पारे तेणु हुए तो से पाई मध्य बस टी जळि जाय थाई पारे किंतु जेतेबेले ब्रिज रे एक्सीडेंट होइछि ये मध्य देखा देखते पूरा बस टी नष्ट एवं जड़े व्यक्ति अच्छा प्रतिक्रिया दे दबापाई वर्तमान संभव नुहे किंतु ओके स्वप्ना बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर तमाम सूचना पई स्वप्ना आम सहित जोड़ी होते आम प्रतिनिधि एवं आज सका भारसाम्य हर बरमुंडा निकटे बस टी दुर्घटनाग्रस्त घटी बस रे संपूर्ण निआ लगी जली जाइछि ए बाबद्रे आमको अधिक सूचना देउथिले। आड़प मंडप भक्त को दर्शन देउछन्ति श्रीजीव द्वितीय दिन में पहुंचला महाप्रभु आड़प मंडप दर्शन नवदिनात्मक यात्रार आज होउछि चतुर्थ दिवस आषाढ़ शुक्ल पंचमी तिथि आड़प मंडप श्रीजीव बनकलागी नीति अनुष्ठित होब तेणु द्वितीय भोग मंडप पर श्रीजीव सर्वसाधारण दर्शन प्राय तीन घंटापी बंद रंध्या छटा तीस द्वितीय भोग मंडप शेष होगापी समय निर्घंट हो जुलाई पांच तारीख में हेरापंचमी नीति ता बेले छ तारीख में रथ को दक्षिण मुड़ आठ तारीख में संध्या दर्शन पर नौ बाहुड़ा जात्रा रही दस तारीख में सुनावेश एगारे अधरपणा नीति सर बार तारीख में नीलाद्री विजय नीति सह रत्न सिंहासन को बाहुड़ी जीवे महाप्रभु। ए बाबद अधिक सूचना एवं आलोचना आम सहित तो जोड़ी होती पुरीर आम प्रतिनिधि कालुचरण जोड़ी होती कालुचरण आड़प मंडप भगवान को दर्शन करने आम देखुचे गत काली
ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିଲା, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ପରିବେଶ? ଚିନ୍ମୟ, ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରପ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅତି ନିକଟରୁ। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆରପ ଅଭଡ଼ା, ପ୍ରଥମ ଆରପ ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖଇପୁର ଲାଗି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ମହାପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉନା କାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସମ ପରିମାଣର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଏବଂ ଗତକାଲି ଦେଖିଲୁ ପାଖାପାଖି ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସଂଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର, ଯଦି ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରୁ ମଧ୍ୟ ଆରପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ସେ ଆରପ ମଣ୍ଡପର ଦର୍ଶନର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ଆରପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକୁଳ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରପ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଆଜି ଯେହେତୁ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅବଗତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ରହିଛି, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି 7:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଖାପାଖି 3-5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବନକ ଲାଗି ନୀତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳୁଚରଣ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର୍ଶନ କଲେ ଖୁବ୍ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।
आज उत्तर ओडिशा और संलग्न अंचल में लघुचाप सृष्टि संभावना यार प्रभाव में राज्य में बढ़ बर्षार परिमाण आज प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं पांच जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होता बेले प्रबल वर्षा नहीं चौदह जिला को येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सात तारीख जाए राज्य में भल वर्षा हो आकलन कर तेज गत चौबीस घंटा मध्य राज्य दुई स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा और उन्नीस स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड होती कलाहांडी रामपुर में सर्वाधिक 132 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होता बेले कलाहांडी गोलामुंडा 118.4 मिलीमिटर और झारसुगुड़ 105 मिलीमिटर सुंदरगढ़ टांग्रापाली 100.8 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड होती। समय सरी सकाल प्रथम खबर को ये रखु नमस्कार।